हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च मैथोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 एमसीक्यू। इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सारे एमसीक्यू को कवर करेंगे। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू को भी कवर करेंगे, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है कि बिल्कुल सही है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होंगे, तो हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है कि रिलायबिलिटी इंश्योर्स द वैलिडिटी। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एक सेकेंड, पहला है रिलायबिलिटी इंश्योर्स द वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वास, ठीक। बी है वैलिडिटी इंश्योर्स रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं कि डी रिलायबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पे आपको पता होगा रिलायबिलिटी और आपने पढ़ा होगा तो रिलायबल, वैलेबल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, दोनों जो होते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पर ही शेयर कर दूंगी। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस, मतलब जो रिसर्च के उद्देश्य होते हैं, जो एम होते हैं, वो थीसिस के सबसे पहले चैप्टर में उसको हम दिखाते हैं, ठीक। बी है रिसर्चर्स मस्ट पॉसेस द एनालिटिकल एबिलिटी। सी है वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम की। डी ऑल ऑफ द अबव, कौन सा इसमें से सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सही बात है पहला स्टेटमेंट, कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च के हम उसको सबसे पहले चैप्टर में उसको लिखते हैं। दूसरा, कोई रिसर्चर क्या है, वो एनालिटिकल एबिलिटी को भी देखता है, ठीक है। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब यहाँ पर सिंपल से ठीक है परिवर्तनशील, ठीक, इसका मतलब। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कंप्लीट इसी तरह के एमसीक्यू आपको सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। कैसे आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अभी आपकी डेट नहीं आई है, बिल्कुल आपके पास टाइम है। जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे बस उसको पढ़ना, उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा मैम, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? तो रिसर्च मैथोलॉजी के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, और जो भी आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर मान लो जूलॉजी है, बॉटनी है, एजुकेशन है, कॉमर्स है, हिंदी है, जो भी आपके पॉलिटिकल साइंस है, वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करेंगे और कंप्लीट नोट्स के साथ। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे संपर्क करके सारे एमसीक्यूज़ आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, आप नंबर पे मैसेज करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये आपके पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक। सबसे पहला जो स्टेप्स होता है रिसर्च का क्या होता है, सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, रिसर्चिंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही सबसे। मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बताया, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसको मैंने एक वीडियो में कवर किया है, इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने लाइव सेशन लिया था उसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है रिसर्चर कैन बी कंडक्टेड बाई ए पर्सन, रिसर्चर किसके द्वारा किया जाता है, जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, हैज़ स्टडीज रिसर्च मैथोलॉजी, पॉजिसिंग थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी की हार्ड वर्कर। मतलब क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी जिसके पास पीजी की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, वो यहाँ पर कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही।
क्वेश्चन 5 है, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड। भाई रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने आपको बताया है बहुत सारी चीज़ें। बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च होते हैं भाई। फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल एंड द सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इन सब की मीनिंग क्या होती है। इनका यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि भाई अप्लाइड रिसर्च, कोई भी एक स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा ये कौन सा इसमें रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, तो हर एक रिसर्च को आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, उसके मतलब क्या होता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, तो डी ऑल ऑफ दी वर्ब सारे के सारे आपके रिसर्च के टाइप्स में आते हैं। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस, ए रिसर्चर यूजेस टी टेस्ट एनोवा एक्स टू फैक्टोरियल एनालिसिस। तो भाई नल हाइपोथेसिस, और यहाँ पर एक होता है अल्टरनेट हाइपो। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, नथिंग, और अल्टरनेट का मतलब समथिंग। ठीक, अगर हम यहाँ नल का मतलब, एन का मतलब आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पर नल मतलब ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर एच जीरो से इसको डिनोट करते हैं, और अगर हम यहाँ पर बात करें अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, तो बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, एक सेकेंड, एच वन या एच ए। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसको एक्सेप्ट किया जाता है, व्हेन इट इज एक्सेप्टेड देन इट इज रिजेक्टेड, व्हेन इट इज रिजेक्टेड देन इट इज एक्सेप्टेड। तो ये अंतर कुछ होता है, कुछ पॉइंट्स देख लीजिएगा। आपके क्वेश्चन पूछा जाता है नथिंग, नल हाइपोथेसिस मीन्स नथिंग, अल्टरनेट मीन्स समथिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एच जीरो, एच वन या एच ए रिप्रेजेंटेड बाई अल्टरनेट। तो किसके द्वारा हम यहाँ टेस्ट हाइपोथेसिस को, यहाँ पर रिसर्चर क्या यूज करता है, दैट इज बी अनोवा टेस्ट। ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लोग्राफी गिविंग इन अ रिसर्च रिपोर्ट। बिब्लोग्राफी जो हम रिसर्च में दिया जाता है, वो उसमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज दिखाई जाती है रिसर्चर के, कि इट हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, की हैज़ नो रिलेवेंस टू रिसर्च की ऑल ऑफ दी। बिब्लोग्राफी गिवन जो भी रिसर्च रिपोर्ट में दिया जाता है, कि आगे जो हो रिसर्च होने वाला है उसमें, ये इट इज़ हेल्पफुल, बी ऑप्शन। ठीक, बिब्लोग्राफी इट सिंपल्स का मतलब, इसका मतलब होता है एक लिस्ट ऑफ बुक्स होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ अ बिब्लोग्राफी, तो बिब्लोग्राफी इज़ द लिस्ट ऑफ बुक्स विच इज़ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या लिस्ट ऑफ बुक्स या आर्टिकल्स जो किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को रेफर करता है। ठीक है, तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ए रिसर्चर प्रॉब्लम इज फीजिबल ओनली व्हेन, ए रिसर्चर प्रॉब्लम इज फीजिबल ओनली व्हेन, only when it has a utility and relevance, it is researchable, it is a new and adds something to knowledge की ओर होती है। तो research के जितने भी problems होते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें, वो क्या होते हैं, सारे के सारे होते हैं। जितने भी problems होती हैं यहाँ पर क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें, उस सारी qualities उसमें अगर आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट्स टू ट्रेस एन इफेक्ट, मतलब इस किस चीज़ की स्टडी होती है जिसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, उसको क्या करता है, अटेम्प्ट करता है कि उस चीज़ों को वो क्या कर सके, ट्रेस कर सके। सर्वे रिसर्च, सम्यूटी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टर, ये सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसको किया है, कि आपको अगर वो टॉपिक्स को समझ लिए ना, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी। तो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च में जहाँ पर किस चीज़ की स्टडी करता है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर, जिसमें क्या इफेक्ट है, कैसे हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है जर्नलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैम्पल इज टेक्निकली, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशंस, पैरामीटर इन्फरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की ऑल ऑफ दी। तो जो जर्नलाइज्ड कंक्लूजन होता है किसी भी सैम्पल का, बेसिकली वो क्या होता है, उस डेटा को एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना,
बोलते हैं। कन्फ्यूज़न मतलब वहाँ पर निष्कर्ष जो भी है सैम्पल के बेसिस पर उसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, समराइज करना, वो सारी की सारी चीज़ें टेक्निकली हम उसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, फंडामेंटल रिसर्च मैंने बेसिक रिसर्च भी इसे बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं तो याद रखिएगा, फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और भी इसके नाम से उसको क्लियर कर लीजिएगा। सिंथेसाइज न्यू आइडियल्स, एक्सपोंड द न्यू प्रिंसिपल्स, की एवोल्यूट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, की जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर टॉपिक्स है हम उस पर उसको स्टडी करना, बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च ऑप्शन नंबर बी, नए प्रिंसिपल को एक्सपेंड करना, ठीक है, यहाँ एक्सपेंड होगा, न्यू प्रिंसिपल बी ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो मेन उद्देश्य होता है या मेन हम फीचर्स की बात करें क्या होता है एक साइंटिफिक रिसर्च का, तो भाई वो एम्पेरिकल भी होते हैं, थ्योरेटिकल भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट, भाई साइंटिफिक कहा है तो वहाँ एक्सपेरिमेंटल होगा, थ्योरेटिकल भी होगा, एम्पेरिकल है, ये सारी विशेषता आपकी साइंटिफिक रिसर्च में पाई जाती हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी मतलब यहाँ पर चेक करना, ठीक। अब किसके बेसिस पर हम चेक कर सकते हैं कि भाई वो ओरिजिनल है, उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है भाई, ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, तो ऑथेंटिसिटी हम किसी कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो वह हम ऑथेंटिसिटी किसके द्वारा चेक करेंगे, वो ओरिजिनल है कि नहीं, वैलिडेटेड है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी है नहीं, सारी चीज़ों के बेसिस पर ही तो हम करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं जब पॉपुलेशन जो है क्या है, मतलब एक लिमिट में हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं कह रहा, फाइनाइट कह रहा, एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, परपेसिव सैम्पलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, की नन ऑफ दी अबव, तो बताओ इसमें से कौन सी चीज़ें यहाँ पर होंगी जब हमारा पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, सैम्पलिंग टेक्निक्स को पढ़ लीजिएगा या मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग को पढ़ लीजिएगा, बहुत यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। दो तरीके के होता है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, एंड दैट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, ये होता है। इसमें आपकी याद रखिएगा चार चीज़ें आती हैं आपकी, सब यही पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चन में, कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, याद रखिएगा, इन सब की मीनिंग को भी बहुत अच्छे से समझाया है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। सिस्टमैटिक होता है और लास्ट होता क्लस्टर या बोले हम एरिया सैम्पलिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में ये चार चीज़ें आती हैं, आपसे एमसीक्यू में कैसे पूछे जाएंगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग किस सैम्पलिंग मेथड्स या टेक्निक्स में आती हैं, तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी में इसमें भी चार होती हैं, तो इन चारों के नाम मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक। दूसरा होता है जजमेंट या परपेसिव सैम्पलिंग, तीसरा होता है कोटा सैम्पलिंग और लास्ट होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। पूछा कैसे जाएगा कि जजमेंटल सैम्पलिंग किस में आता है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी में, कोटा सैम्पलिंग किस में आता है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी में, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। क्लस्टर किस में आता है, तो प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। चलिए 15 आते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग एमसीक्यू को देख लेते हैं और एक पार्ट में हम लोग कंप्लीट थ्योरी सेशन को कवर करेंगे, इसलिए मैं हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगी, टॉपिक वाइज, टाइप्स होगा, यूनिट वाइज। रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रिसर्चर के इंटरेस्ट पे, फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल रिलेवेंस की एबिलिटी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर की वजह से।
तो जो रिसर्च जो के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसके द्वारा, तो सोशल रिलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि रिसर्चर का इंटरेस्ट है फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट की वजह से, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16th है, रिसर्च इज ऑलवेज वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, पुराने जो भी नॉलेज है उसको वेरीफाई करता है, जो नए नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करता है, फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज के ऑल ऑफ दिस। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही, रिसर्चर जो होता है पुराने नॉलेज को भी एनालिसिस करता है, नई चीज़ों को भी, और जो भी उसके बीच में कमियां हैं उस नॉलेज को उसको कंप्लीट करता है, दैट इज़ डी ऑप्शन। 17th है, रिसर्च इज अ, ये भी क्वेश्चन आपके 2022 और 23 दोनों में रिपीट हुए हैं। तो रिसर्च जो होता है सर्चिंग अगेन एंड अगेन, हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि अगेन एंड अगेन उसको सर्च करना, फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम की नन ऑफ दिस, तो रिसर्च बेसिकली वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे, ताकि हम वहाँ पे इसलिए सर्च कर रहे हैं कि क्या उस प्रॉब्लम को हम, दैट इज सी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रियोरिटी ऑन, किस पे ज़्यादा प्रियोरिटी देता है, रिलायबल है भाई, विश्वसनीय है कि नहीं, यूजबिलिटी है कि नहीं, उसको ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं कि डी। तो सारी की सारी चीज़ें एक कॉमन टेस्ट जो होता है रिसर्च में, ये सारी प्रियोरिटी को हैंडल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है रिसर्च प्रॉब्लम में, सर्चिंग द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन हम, कहाँ कहाँ से स्रोत है उसको इकट्ठा कर सकें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सी है, डी है सर्चिंग फॉर प्रॉब्लम्स टू द सॉल्यूशन। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जो होता भाई भाई प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, तो 21 का 3 ऑप्शन हो जाएगा कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। 22 है, विच कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी और जो इंटेलिजेंस के बीच में एक रिलेशनशिप दर्शाता है, वो कौन सा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, तो कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। 23 है, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, मैनिपुलेशन किस चीज़ का हिस्सा है, हिस्टोरिकल रिसर्च, फंडामेंटल, डिस्क्रिप्टिव, देखिए बहुत सारे ये पूछे गए हैं आपसे, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च को याद रखना। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो रिसर्चर होता है एक एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करता है, किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। और मैनिपुलेशन एक तरह का एसेंशियल एस्पेक्ट होता है, किसका एसेंशियल एस्पेक्ट बोले तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, ठीक है, उसके द्वारा वो कॉन्क्लूजन है, क्या इन्फ्लुएंस हुआ वो चीज़ें। 24 है, द रिसर्च विच इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स टू द स्टडी ऑफ पास्ट, पास्ट की बात कर रहा है, याद रखना पास्ट की बात, वहाँ पर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, मतलब पास्ट की चीज़ों की स्टडी करके कुछ उससे हम नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कौन सा रिसर्च हो जाएगा, फिलोसफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, कंटेंट एनालिसिस, तो बी हिस्टोरिकल रिसर्च हम उसे बोलेंगे। 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, नल हाइपोथेसिस जो होता है व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, बिल्कुल ये सही है, जब दो ए और बी वेरिएबल्स हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं है तो हम उसे बोलेंगे नल हाइपोथेसिस, सेम एज द रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं, सब्जेक्टिवनेस एंड व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, डिफरेंस होता तो भाई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाता, ए हो जाएगा कि कहाँ जहाँ पर वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन या कोई भी डिफरेंस ना हो। 26, वी यूज़ फैक्टोरियल एनालिसिस, हम फैक्टोरियल एनालिसिस किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दर्शा सकें, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें, या दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस निकाल सकें, तो डिफरेंस बिटवीन अमंग द मैनी वेरिएबल। फैक्टोरियल एनालिसिस जो होता है स्पेशली बोलते हैं इसे हम एनालिसिस ऑफ वेरियंस, जिसे हम बोलते हैं एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, ये इसलिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि दो या दो से ज़्यादा जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच क्या अंतर है एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 27 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ द डिपेंडेंटल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, ऑल ऑफ दी,
तो 27 का ऑप्शन नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डेवलपमेंटल रिसर्च की कैटेगरीज में शामिल होते हैं। 28 है एक्शन रिसर्च, किस तरह का रिसर्च है, एक अप्लाइड रिसर्च है, एक रिसर्च जो कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट, तुरंत कोई प्रॉब्लम आ गई इमीडिएटली हम उसे सॉल्व करने का, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है कि ऑल ऑफ द अबव, तो बी रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व, तुरंत कोई प्रॉब्लम आ गई इमीडिएटली उसको सॉल्व करना है, तो ये एक्शन रिसर्च हम उसे बोलेंगे। 29 है तो बेसिस ऑन विच अजप्शंस आर फॉर्मुलेटेड, किस बेसिस पर अजप्शन को हम फॉर्मुलेट या लागू करते हैं, अगर बात करें कल्चरल बैकग्राउंड क्या है उस कंट्री का, यूनिवर्सिटीज़, सी है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट की ऑल ऑफ द अबव, तो उसके कल्चरल बैकग्राउंड से, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, यहाँ पर उसके बेसिस पर हम अजप्शंस को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ रिसर्च कैन बी इन्हेंस्ड, कैसे हम उसे इन्हेंस कर सकते हैं, इम्पार्शिबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, क्वालिटी, तो सारे केसेस में हम यहाँ पर रिसर्च को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। 31, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट ए फिजिबल, रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो फिजिबल नहीं है जब वो रिसर्चेबल है, ये सारे हम टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इसका थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लोग कवर करेंगे, इसमें हम एमसीक्यू सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू द नॉलेज, कुछ नई चीज़ों को जोड़ना, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की इट हैज़ अ यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों चीज़ें आ जाती हैं अगर रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल नहीं है। 32 है द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, कंट्रोलिंग की रेफरेंस कलेक्शन, तो डी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रेफरेंस कलेक्शन जो होता है वो आपका एक पार्ट नहीं होता है भाई, एक प्रोसेस नहीं होता आपके एक्सपेरिमेंटल का, बाकी चीज़ें होती हैं ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, रेप्लिकेशन एंड कंट्रोलिंग, लेकिन रेफरेंस कलेक्शन नहीं होता है। 33 है व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेटरोजीनियस पॉपुलेशन, तो द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड कौन सा होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग की लॉटरी मेथड, आपको सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलेंगे, इकोनॉमिक्स हो, एजुकेशन हो, तो ठीक है, डेली आपको एक से दो वीडियो आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, रिसर्च मेथोलॉजी के, और जो आपका पेपर है सब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ पर एजुकेशन हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल, पॉटनी, जूलॉजी, वो सारी चीज़ें, ठीक है, आप कोर्स को भी परचेस कर सकते हो ईजिली, वहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली, उसे हम डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कहते हैं, पैरामीटर इन्फ्रेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की ओर होती हो, तो जनरलाइज कंक्लूजन किसी भी सैंपल का भी हम लोगों ने क्वेश्चन कहा है तो दैट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहेंगे। 35, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी किस चीज़ पे बेस्ड होता है, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मैनिपुलेशन ये किस में होता है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होता है, तो ए ऑप्शन, कॉन्सेप्शन पैरामीटर नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा, सर्वे ऑफ लिटरेचर नहीं होगा, तो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स किस में आ जाएंगे, आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ जाएंगे। Which one is called non-probability sampling? अभी हमने आपको बताया है probability और non-probability में, cluster sampling, quota sampling, systematic sampling, stratified. तो यहाँ पर quota sampling अभी हमने पढ़ा है कि वो non-probability में आता है sampling में, ठीक है, B option. 37 है formulation of hypothesis may be not to be required. Formulation of hypothesis की ज़रूरत नहीं होती है survey method में, हिस्टोरिकल स्टडीज़ में, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की नॉर्मेटिव स्टडीज़ में, तो बी हिस्टोरिकल स्टडीज़ में हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन क्या है, नहीं ज़रूरत पड़ती है। 38, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च जो होता है वो उसको हम क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल की बायोग्राफिकल, तो दैट इज़ ए एम्पेरिकल। तो ये आपके 40 एमसीक्यू इस सीरीज़ में हम लोगों ने कवर किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके रिसर्च मेथोलॉजी या आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है उससे रिलेटेड आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी मतलब किस चीज़ से आपको टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। ओके, थैंक यू।